हेलो फ्रेंड्स, साई रिसिप लैब यूट्यूब चैनल पर मैं साई आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिना तेल के बनने वाले लेकिन टेस्ट में बिल्कुल समोसे जैसे लगने वाले ये सूजी से बनने वाले नाश्ते की एक आसान रेसिपी। और ये नाश्ता छोटे साइज में बनाकर आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए आसानी से बनने वाले ये सूजी के नाश्ते की रेसिपी हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी की जार में लेते हैं 1 कप सूजी। आप यहाँ पर बारीक या मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 कप दही। आप इसमें घर का बनाया हुआ दही या फिर बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं स्वादानुसार नमक लगभग 1/2 टीस्पून। और जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से 1/2 कप पानी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे पीस कर इसकी बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसकी बारीक पेस्ट बना लेनी है। तो अब हम इस बैटर को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो पूरा बैटर बाउल में ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं। और इसके बाद हम नाश्ते की स्टफिंग बना लेते हैं। तो इस नाश्ते की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू बॉईल करके फिर इन्हें इस तरीके से मैश करके लिया है। और इसी के साथ ही स्टफिंग में ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज का प्याज इस तरीके से बारीक कट करके लिया है। और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्च इस तरीके से कट करके लिए है। और इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दरदरा पिसा हुआ 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन। तो इस नाश्ते की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में बस 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून जीरा। और जीरा थोड़ा तड़तड़ने के बाद इसमें ऐड कर दे बारीक कट करके लिया हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज। और ये प्याज इसमें ऐड करने के बाद इस प्याज का मॉइस्चर खत्म होने तक हम इसे तेल में भून लेते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए भूनने के बाद अब इस प्याज का मॉइस्चर लगभग खत्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 कट कर के ली हुई हरी मिर्च। और इसे भी हम चलाते हुए थोड़ी देर के लिए तेल में भून लेते हैं। तो अब हम इसे पैन में एक साइड में कर लेते हैं। और इसे साइड में करने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं दरदरा पिसा हुआ लहसुन और अदरक। और इसे भी हम तेल में भून लेते हैं। अगर हम अदरक और लहसुन पहले ऐड कर लेंगे तो ये जल सकता है, इसलिए प्याज को थोड़ा भूनने के बाद मैंने इसमें अदरक और लहसुन ऐड कर लिया है। तो इन सभी चीजों को लगभग 2.5 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मैश किए हुए आलू। और आलू भी हम प्याज के साथ चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो आलू और प्याज को इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही ऐड कर लेते हैं बारीक कट करके लिया हुआ धनिया। तो अब हम ये स्टफिंग के सारे इंग्रेडिएंट चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। आप चाहे तो स्टफिंग में कद्दूकस किया हुआ गाजर और साथ ही बारीक कट करके लिया हुआ पत्ता गोभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू के साथ बाकी सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर लेते हैं स्वादानुसार नमक लगभग 1/2 टीस्पून। और नमक इसमें ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा थोड़ी देर के लिए चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये लाजवाब टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देते हैं। और ये स्टफिंग जैसे ही ठंडी हो जाए तो इसके बाद आपने इस स्टफिंग की इस तरीके से गोल टिक्कियां बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस स्टफिंग की इस तरीके से 3 टिक्कियां बना ली है। अब हम इसे साइड करके नाश्ता स्टीम करने के लिए कटोरियों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरियां ली है। आपके हिसाब से इसी आकार की या फिर इससे छोटी बड़ी कटोरियां लेकर उसे ऑयल से या फिर घी से अच्छे से ग्रीस कर ले। इस तरीके से ऑयल से या घी से ग्रीस करने से हमारा नाश्ता स्टीम होते समय कटोरियों में चिपकेगा नहीं और वो आसानी से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आपने कटोरियों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो इसके बाद हमने जो सूजी का बैटर बना लिया था उसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा इसमें विस्कस से या फिर चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अब बेकिंग सोडा बैटर में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इन कटोरियों में थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड कर लेते हैं। इस बैटर के हम 2 लेयर बनाएंगे। तो यहां पर मैंने 1st लेयर का बैटर ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें आलू के स्टफिंग की बनाई हुई टिक्कियां रख देते हैं।
और ये स्टफिंग इसमें रखने के बाद इसके ऊपर हम बैटर का दूसरा लेयर ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने बैटर का दूसरा लेयर ऐड कर लेना है। और हाँ, ध्यान रहे कि ये हमारा नाश्ता स्टीम करते समय फूलेगा, इसलिए आपने ये कटोरिया बैटर से फुल नहीं भरनी है, आपने इसमें ये नाश्ता फूलने के लिए थोड़ी सी जगह खाली रखनी है। तो कटोरियों में बैटर का दूसरा लेयर ऐड करने के बाद इसे हाथ में पकड़कर इस तरीके से हल्का टैप कर दे, जिससे कि यह बैटर कटोरी में अच्छे से सेट होगा। बड़ी कटोरियों के साथ यहाँ पर मैंने छोटी कटोरियों में भी बैटर का फर्स्ट लेयर और स्टफिंग ऐड कर ली है। अब हम इसके ऊपर भी बैटर का दूसरा लेयर ऐड कर लेते हैं। तो इन छोटी वाली कटोरियों में भी बैटर का दूसरा लेयर ऐड करने के बाद अब हम ये सभी कटोरियों में भरा नाश्ता स्टीम कर लेते हैं। तो ये नाश्ता स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रखा है। अब इसमें रख देते हैं इस तरीके की जाली। अगर आपके पास ऐसे वाली जाली नहीं है तो आप छोटी वाली प्लेट उल्टी करके भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर हम रख देते हैं ये बैटर से भरी हुई कटोरिया। और कढ़ाई के कैपेसिटी के अनुसार कटोरिया इसमें ऐड करने के बाद अब हम ये नाश्ता मीडियम फ्लेम पर लगभग 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। मैंने सेम तरीके से छोटी वाली कटोरियों में भरा नाश्ता स्टीम कर लिया है। तो ये नाश्ता स्टीम होते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नाश्ते का कलर अब हल्का चेंज हो चुका है और ये नाश्ता अच्छे से स्टीम भी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर ये नाश्ता ठंडा होने के बाद मैंने इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब आप इस तरीके से स्पैचुला से या फिर चम्मच से इसे कटोरे से बाहर निकाल ले। तो ये देखिए, ये हमारा नाश्ता बाहर से बिल्कुल स्पॉन्जी बन चुका है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाता हूं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये बाहर से स्पॉन्जी और अंदर से बिल्कुल समोसे की टेस्ट वाला नाश्ता बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से आपने बाकी नाश्ता भी कटोरियों से बाहर निकाल लेना है। ये नाश्ता आप एज इट इज सर्व कर सकते हैं। तो सभी कटोरियों से नाश्ता बाहर निकालने के बाद आप इसे टोमेटो केचप, हरी वाली चटनी या फिर शेजवान चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये आसानी से बनने वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता आप घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बता दे आपका ये सूजी का नाश्ता कैसे बना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।